आप अपने बच्चों को उस तरह डालते हैं जैसा और कोई नहीं जान सकता। सो स्पेशली जो टीचर्स हैं जो वन ऑन वन इंटरेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, स्पेशली ये ग्रोइंग एज में बच्चे को ये छोटी मोटी अपनी बातों से ये समझाना बहुत जरूरी है ताकि आगे वो आपसे ग्रो सके। गूगल, गूगल पे आप अपने किसी बड़े को बता दीजिए कोई चीज़ अगर आपको उसके बारे में पता करना है, उसके बाद आप उसको गूगल करिए तो वो ठीक है, हेल्पफुल है। हर चीज़ के लिए बच्चा सीधा जाएगा नेट पे सर्च करेगा या टीवी से उसका अपना आंसर लेना चाहेगा, इट्स नॉट अ राइट। ठीक है, बच्चों को नए एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, वो कोई एक बड़े को देखिए, कोई किसी एक बड़े से वो रिलेशन ऐसा बना रहा है कि वो नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसको इन्फॉर्म रखेगा। जैसे अभी ब्लू मेल गेम है, खाली आपको पता कैसे चलेंगे बच्चा किसी गलत इस पर पहुँच गया है। देखिए कि घर में कम से कम एक मेंबर ऐसा है कि उनका रिलेशनशिप उससे बहुत स्ट्रांग है, ताकि वो अपनी हर चीज उनसे कन्फाइड करता है, किसी एक को वो बताता है सब। फैशन के बारे में बच्चों को क्या पता होना चाहिए, फैशन इज ऑल अबाउट बीइंग कंफर्टेबल। आप कंफर्टेबल जिस चीज में होते हो वो फैशन होता है, इट शुड नॉट अफेक्ट है। बच्चों को, लड़कियों को बड़ी जीन्स पहननी होती है या बाहर ठंडी भी है तो उनको अगर वो शॉर्ट स्कर्ट पहनना है या ऐसे कुछ पहनना है, सो इट शुड नॉट अफेक्ट देयर हेल्थ, इट शुड बी इन अकॉर्डिंग विद द डेकोरम। मतलब अगर क्या कहते हैं कंफर्टेबल फील करना है तो स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, ये नहीं होगा। इट शुड बी इन अकॉर्डिंग विद द डेकोरम और शुड नॉट बी मेड अ हाई वॉक। मतलब फैशन 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 में ये शादी में जा रही हूँ तो मैं क्या पहन के जाऊँगी, मम्मा उनको समझाइए कि आप क्या पहनोगे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद इम्पोर्टेंट हो, आप जा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टू नो क्या है, जो एक जब बच्चों का पीरियड स्टार्ट होता है स्पेशली, मतलब लड़कियाँ जब उनकी शादी होनी होती है, यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी बैठे हैं तो अभी वो स्टिल देयर इज टाइम। सर्वाइकल कैंसर जो होता है, जो बच्चेदानी का जो मुंह है उसके कैंसर को हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इसका जो मेंशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही कैंसर है जिसको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, एक वैक्सीन लगेगा जिससे प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो कैंसर ना हो आगे। सो द बेस्ट टाइम इज बिफोर गेटिंग मैरिड। अगर किसी आपके रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर या कोई बच्चेदानी का कैंसर है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है उसके बारे में, अपने चेकअप्स कराते रहने हैं। अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं आते तो हर किस्म की इरेगुलरिटी को एक बार कम से कम दिखाना जरूरी है। अगर आपको ये बता दिया जाए कि नहीं ठीक है आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फाइन, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स आगे चल के बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। और मेजर चेंजेस इन वेट, अगर बहुत ज़्यादा वजन गिर गया या बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया तो उसको आपको चेक करना है। एडोलेसेंट क्लिनिक जरूरी क्यों है, क्योंकि हर एडोलेसेंट की जो बढ़ता हुआ बच्चा उसकी हर एक की नीड अलग होती है। कोई कहता है कि नहीं मेरी प्राइवेट बातें मम्मी पापा को मत बताओ, कोई कहता है कि नहीं मुझे भी मेरी हेल्थ के बारे में, मैं किसी को जिम ज्वाइन करना है, ये नहीं कि नहीं मम्मी पापा नहीं कहेंगे तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है, मुझे जिम ज्वाइन करना। मतलब वो अपनी हेल्थ के बारे में खुद डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारा व्यू पॉइंट ये है, हमारे बारे में कोई केयर नहीं करता। हर एक की नीड्स अलग होती है, प्रॉब्लम्स अलग होती है, तो इसीलिए एडोलेसेंट क्लिनिक बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कभी भी जरूरत लगे यू शुड गो टू एन एडोलेसेंट क्लिनिक। ठीक है, बच्चे और आप सब डिजर्व करते हो कि आप हेल्दी रहो, सक्सेसफुल रहो, तो उसके लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, दैट्स ओके, लेक्चर हो गया है। आपको एक ब्लैंक पेपर दिया हुआ है सभी को। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप हम आपको समझा देंगे कि ये क्या है, आपको सिर्फ उसका आंसर वहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन जैसे वन और आंसर आपका जो कोई कुछ भी है वो आंसर आपको लिखना है। अगर आप चाहो आप अपना नाम नहीं लिखना चाह रहे कोई बात नहीं, आप सिर्फ ड्रीम इंडिया स्कूल और डेट डालो, ये नाम के लिए नहीं है, बिकॉज ये जो लेक्चर्स हैं ये हम लोगों के हर स्कूल में होंगे। सो जस्ट टू नो कि और किन बातों पे आप लोग जानना चाहोगे और किन चीज़ों पे हम लोगों को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ये क्वेश्चंस हैं जिस पे आप लिखते जाइए, नंबर्स डालते जाइए और ए बी सी डी में उसके आंसर लिखते जाइए। एक्स्ट्रा पेन मांगे।